हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, और गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट की फ्यूज़न होती है, ठीक है, और क्या बनते हैं फिर आगे, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो इसमें जो बच्चे बनते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से, मिलते जुलते नहीं होते, थोड़े बहुत अलग होते हैं, वेरिएशंस चेंजेस दिखते हैं उसमें। ये एक इलेबोरेट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल। और इसमें क्या है, जो विनाइल फेज़ होता है, वेजिटेटिव फेज़ होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज़ जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेस। जैसे एनुअल और बायनियल प्लांट्स होते हैं वो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेस शो करते हैं। जैसे एनुअल होते हैं जो साल के बाद फ्रूटिंग करते हैं, बायनियल साल में दो बार, ठीक है। और पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं उनका आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से कि कब इनका जो है वेजिटेटिव फेज़ है या कब इनका रिप्रोडक्टिव फेज़ है। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग करते हैं। जैसे बैम्बू स्पीसीज है, वो सिर्फ 50 से 100 साल बाद एक बारी करती है और मर जाती है। ऐसी स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना फ्लावर है जो 12 साल में सिर्फ एक बार क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, और उसकी डेथ हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब जुवेनाइल फेज के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनका एक्टिव हो जाए। जैसे बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग्ज ले करते हैं, ठीक है। और जो प्लेसेंट्रल मैमल्स होती हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है, उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। जैसे नॉन प्राइमेट्स, जैसे काउज होगी, शीप्स होगी, उस साइकिल को हम ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमंस हो गए, उनको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस जो मंथली चलता है 28 डेज के बाद, वो आप आगे पढ़ोगे। बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग सीजन, ऐसी ब्रीडिंग सीजन के बेसिस के ऊपर भी इनको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक तो सीजनल ब्रीडर्स जो सीजन में ब्रीड करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, कॉन्टीन्यूटी ब्रीडर जो कॉन्टीन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं, जिनको सीजन्स के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता। उसके बाद आती है सेंसेंस क्या होती है, ओल्ड एज, जब हमारे जो बॉडी है वो डिटियोरेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाती है, डेथ। जो सेंसेंस फेज है उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो कि हार्मोनल और एनवायरनमेंट की वजह से हैं, ठीक है। और उसके बाद ये था आपका डेथ तक फेज़। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके तीन स्टेजेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होना है, गैमीट्स बनने हैं, स्पर्म बनना है, एग बनना है, और गैमीट ट्रांसफ़र होने हैं। जब गैमेट ट्रांसफ़र हो गए, स्पर्म और एग ट्रांसफ़र हो गए, तब उन्होंने क्या करना है, फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जो जैसे जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, वो किस में आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, द इवेंट्स जो गैमेट्स के फ्यूज़न से पहले, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे फ्यूज़न होएगी, तो वो होंगे प्री फर्टिलाइजेशन में, जैसे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस में क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, और ये दो तरह के होते हैं, हैप्लॉयड डिप्लॉयड आपको पता होएगा। हैप्लॉयड विच कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे अंदर 46 हैं, डबल सेट हैं, तो सिंगल सेट मतलब 23 और डिप्लॉयड का मतलब 46। तो दो तरह के होते हैं, होमोगैमेट्स और हेटरोगैमेट्स। होमो का मतलब होता है बेटा राजे सेम, ठीक है, सेम तरह के गैमेट्स। हेटरो का मतलब होता है जब अलग अलग तरह के गैमेट्स हों, जैसे कोई मेल बड़ा है, फीमेल छोटा है, ऐसे उसमें हेटरोगैमेट्स आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स बाईसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। बाई का मतलब होता है टू, दोनों सेक्स एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको हम मोनोशियस भी बोल देते हैं, ठीक है। जब दोनों सेक्स मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर हों, दैट इज़ नोन एज अ बाईसेक्सुअल और मोनोशियस। यूनिसेक्सुअल जब सिंगल बॉडी के अंदर सिंगल सेक्स हो, जैसे मेल एक बॉडी के अंदर हो, फीमेल दूसरी बॉडी के अंदर, दैट इज़ नोन एज अ डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर होता है। और यूनिसेक्सुअल की एग्जाम्पल है जैसे आपकी, उसकी एग्जाम्पल आपने कमेंट बॉक्स में लिख देनी है अगर आपको पता है तो।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो तरह की सेल डिवीजन जो आपने पढ़ी होगी, माइटोसिस और मेयोसिस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो मेयोसिस होती है। मेयोसिस क्यों होती है, क्योंकि इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है, जिसकी वजह से जो गैमेट्स बनते हैं उनमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जैसे स्पर्म में 23 होएगा, अगर एग में भी 23 होएगा तो दोनों जब मिलेंगे तो 46 हो जाएगा। अगर दोनों में 46 हो जाए तो दैट इज़ ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। फिर उसके बाद होता है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमारे अंदर क्या होती है, इंसेमिनेशन होती है, जिसमें स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं हम थ्रू पेनिस। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर आपको पता ही है पॉलिनेशन होती है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा। ठीक है, सब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म है फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन है, अपने आप को पॉलिनेट कर लेते हैं। कुछ क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है, जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ोगे। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, बेसिकली फ्यूज़न है किसका, दो गैमेट्स का। जब दो गैमेट्स फ्यूज़ कर जाएँ, मेल और फीमेल, दैट इज़ नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। और सिनगैमी में उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। जैसे लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे हनी भी हो गया, दैट इज़ नोन एज अ पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन जब ये प्लांट्स के अंदर होती है तब हम इसको क्या कहते हैं, पार्थिनोकैरपी। ऐसी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल जब क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल मीडियम में बॉडी के बाहर जो अपने गैमेट्स हैं वो छोड़ दिए जाएं, तब उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एक नुकसान है कि इसमें क्या है, जो श्योरिटी नहीं रहती कि मेटिंग मतलब फ्यूज़ गैमेट्स होंगे या नहीं होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब कोई भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हो, दैट इज़ नोन एज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात आपको जैसे पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बाद वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, दैट इज़ अ जाइगोट। जो जाइगोट है वो कैसे बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमारे अंदर जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होता है, बिकॉज हैप्लॉयड गैमेट्स बन के जो हमारे अंदर जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, तो जाइगोट क्या है, एक मतलब वाइटल लिंक है ऑर्गेनिज्म के वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। जाइगोट के बाद क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, एम्ब्रियो डेवलप होता है किससे, जाइगोट से। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम जाइगोट क्या करता है, डिफरेंशिएशन के अंदर जाता है, सेल डिवाइड कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस के ऊपर, ठीक है, या बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ओवीपोरस और वीवीपोरस। ओवीपोरस कौन से होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हैं, जो अपने मतलब अंडे में सेफ रखते हैं अपने सारे मटेरियल को। और वीवीपोरस कौन से होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, मतलब जैसे हम यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओवीपोरस जैसे बर्ड्स हो गए, वो अंडों को जन्म देते हैं और अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं। तो बेस्ड ऑन द जाइगोट, ओवीपोरस और वीवीपोरस के दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ओवीपोरस में एग लेइंग होते हैं और वीवीपोरस में जो बच्चों को पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ नीट। एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और बाकी ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर्स मैं आपको विद प्रेजेंटेशन इन्हें क्विक रिवीजन, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाइम में ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, थोड़े टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी, वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। और ये मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो चैप्टर है वो 10th के लिए भी ज़रूरी है और प्लस टू के लिए भी ज़रूरी है। सेम ही है, सेम ही, ज़्यादा ज़्यादा इलेबोरेशन में नहीं है प्लस टू और
टेंथ और प्लस टू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप दोनों क्लासेस में कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।